नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुड़ बनाने वाली 4 मशीनें की सील, ना खाने लायक 40 क्विंटल गुड़, 25 क्विंटल चीनी करवाई नष्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, देश की खुशहाली और चढ़ती कला की अरदास। पंजाब पुलिस हाउसिंग बोर्ड कारपोरेशन के DGP VK भवरा सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर और मां त्रिपुर मालिनी दरबार में हुए नतमस्तक की पंजाब और समाज की खुशहाली की मांग। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर में पिछले कई दिनों से घटिया गुड़ बनाने वाले को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह द्वारा अपील की गई थी कि जब तक गन्ने में मिठास नहीं होती और जब तक गन्ना गुड़ बनाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक जिले में गुड़ बनाने वाली मशीनें नहीं चलेंगी। लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर गुड़ में घटिया दर्जे की चीनी डालकर गुड़ बनाने से बाज नहीं आ रही। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अगुवाई में फूड सेफ्टी टीम की ओर से घटिया गुड़ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होशियारपुर फगवाड़ा रोड पर 4 मशीनों से बना घटिया दर्जे का 40 क्विंटल गुड़ और 25 क्विंटल घटिया चीनी नष्ट करवाई गई और इन मशीनों को अगले आदेशों तक बंद करवा दिया गया। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुनीष कुमार रामलुभाया, नरेश कुमार और मीडिया विंग से गुरविंदर शानी भी मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। ਵਿਕਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫੁਗਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਪਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਖੰਡ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਬਥੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਕੁ ਕੁਇੰਟਲ ਗੁੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ? ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਸ਼ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਆ, ਰਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਾਤੀ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਪੱਕੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ? ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਤੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੋਚ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਰੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 15-20 ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਸੀਗੀ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਭਗ 40 ਕੁ ਬੋਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਆਵੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡ ਗੁੜ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਭਈ, ਜੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁੜ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं देश की खुशहाली और चढ़ती कला की अरदास की। इस अवसर पर श्री दरबार साहिब के सूचना विभाग के अधिकारियों की ओर से उन्हें सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर उन्हें अलौकिक शांति का आभास हुआ है, तो वहीं उन्होंने देश की खुशहाली, आर्थिकता, देश कल्याण के हित में अरदास करते हुए देशवासियों की चढ़ती कला की अरदास भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो मेरा आज पिछले अनेक दिनों के बाद मत्था टेकने की इच्छा मेरे मन में थी और आज मुझे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने हरमंदिर साहब से और मंदिर में ये प्रार्थना की कि आने वाले समय में हमारे सब भारतवासियों को सुखद, समृद्ध
और अच्छा जीवन मिले और सबका कल्याण हो और देश प्रगति और विकास की ओर आगे जाए, यही मैंने प्रार्थना की और भगवान हमको ऐसी सुबुद्धि दे कि हमारे हाथ से अच्छा कार्य हो। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर और मां त्रिपुर मालिनी धाम में पंजाब पुलिस हाउसिंग बोर्ड कारपोरेशन के DGP VK भवरा ने पावन नवरात्रों के अवसर पर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सेवादार भूषण कोहली व राजू ने DGP भवरा को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मां का आशीर्वाद लेते हुए पंजाब व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजपुर के गुरु नानक कॉलेज में 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से यूथ फेस्टिवल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजपुर शहरी के विधायक रणवीर सिंह भुल्लर और देहात विधायक रजनीश दहिया की पत्नी ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मेले में अलग अलग ग्रुपों के बच्चों ने भाग लिया। पंजाब के सभ्याचार को दर्शाते हुए यह मेला बड़ी शानो शौकत से संपन्न हुआ। मुख्य मेहमान के तौर पर आए रणवीर सिंह भुल्लर ने सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि सभी नौजवानों को अपने पंजाब के विरसे और पंजाबी सभ्याचार को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नशे से दूर रहकर ऐसे प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधक कमेटी और आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज दा जेड़ा यूथ फेस्टिवल आ, यूथ फेस्टिवल हमेशा ही बहुत बेहतर समाज नु बनाउन लई हुंदे आ। यूथ फेस्टिवल चो कलाकार पैदा हुंदे आ, लीडर पैदा हुंदे आ। सो इस दे नाल जिथे पंजाब दे कल्चर दा पता लगता है, पंजाबियों की सोच का पता लगता है, उत्थे साडे जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं एक स्टेज ते आउण दा परफॉर्म करन दा जिहड़ा यूनिवर्सिटी वल्लों मौका दित्ता जांदा, उह सारियां यूनिवर्सिटियां करदियां। अज्ज जिहड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी दा जनरल यूथ फेस्टिवल आ गुरु नानक कॉलेज दे विच, और इस कॉलेज दे दा मैं स्टूडेंट भी रहा और इसे ही कॉलेज की स्टेज तो परफॉर्म भी किया, यूथ फेस्टिवल भी किया। सो बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद आ। मेरे नाल मेरे सत्कारयोग MLA साहब गुरप्रीत सिंह बणावाला जी भी आए ने, वह भी इत्थे इसे कॉलेज पढ़े आ। सो अज अपने पुराने कॉलेज जाके बड़ा माण महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। सर नौजवानों को मैसेज देना चाहो? नौजवानों जिहड़ा मैसेज आ वह साडे माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी का कि पूरी पंजाब सरकार दा इक्को ही है कि अज पंजाब दा अंश ते वंश बचाउण दी जरूरत आ, और एकजुट हो के राजनीति तो उपर उठ के जिहड़े नौजवान उह नशे रहित रहिण और पंजाब दे लई और पंजाबियों दे लई जिन्हां दा पूरी दुनिया च पंजाबियों ने नाम ना खटिया, सो उस नाम नूं होर अगे लिजाण लई सुधरिए रहिण और स्पोर्ट्स दे विच, यूथ फेस्टिवल दे विच, कल्चरल प्रोग्राम दे विच जिहड़ा पंजाब आ, पंजाब दा खाणा ते पंजाब दा कल्चर ही पूरी दुनिया दे तो सर्वोत्तम आ और पूरी दुनिया इस दे हेठां चलदी आ, चाहे साडे अंग्रेज भी नचदे आ तां पंजाबी बीट ते नचदे आ। सो पंजाब ने बड़े वड्डे कलाकार पैदा कीते आ, पंजाब ने बड़े वड्डे इंडस्ट्रीज पैदा कीते आ, सो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़े अफसर पैदा कीते आ। सो यूथ फेस्टिवलों चो बहुत कुछ मिलता है और इन्हों का लाभ लेना चाहिए है, और मैं मैनेजमेंट कमेटी को भी बधाई देना कि उन्होंने इदा का जोड़ा प्रोग्राम करा के जिते साडे हल्के मेरे अपने हल्के फिरोजपुर शहरी का भी नाम बनता है। सो मैं समझदा भी इदा के फेस्टिवल होंगे रहने चाहिए। सो सारे परमात्मा चढ़ती कला में रखे और जिन्हें पार्टीसपेंट्स ने वो होर अगे वधन फुलन, इन्हां ही शब्दों के नाल तुहाडा धन्यवाद। पटना साहिब के पूर्व जथेदार रंजीत सिंह गोरे मशकीन श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक होने के पश्चात सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वह परिवार सहित गुरु घर में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। वही तख्त से उतारने संबंधी उन्होंने कहा कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत रचा गया है और जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के पास गुहार लगाई है और उन्हें गुरु घर से आस है कि जल्द ही इस संबंधी बड़े खुलासे के बाद सब कुछ साफ हो जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुहार कोई नहीं, गुहार तो लाई हुई है, पंथ के चरणा सदा ही गुहार है, बाकी मत्था टेकना आए महाराज
मत्था टेकया नमस्कार की है हूँ मारे दसीसा लैके घर जा रहे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਖਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के पांचवें दिन की शुरुआत कैकेयी संवाद के साथ हुई। कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांगे, पहले में राम और लक्ष्मण को वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी मांगी। राजा दशरथ को ना चाहते हुए भी कैकेयी की बात माननी पड़ी, जिसके बाद राम लक्ष्मण व सीता भी पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। वनवास प्रसंग के मंचन ने सभी को भावुक कर दिया। वहीं पांचवें दिन की लीला की शुरुआत मुख्य मेहमान भारद्वाज टूल्स उद्योग नगर गदईपुर से रामकृपाल भारद्वाज ने रिबन काट कर की। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, संरक्षक राम सिंह, सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी, चेयरमैन वीपी गुप्ता, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, मैनेजर राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, विक्रमजीत वर्मा, सूर्य मिश्रा, हरिराम प्रजापति, प्रताप नारायण यादव, रामू प्रसाद, सियाराम, सूर्यनाथ यादव, अरुणपाल, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। रानी परमात्मा गवाह है, अनचित नहीं होगा, रख कुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुनो, ये मेरा कथन है, एक वीर की प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। महाराज अब मुझको विश्वास हो गया। बोलो
न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के पांचवें दिन की नाइट भरत मिलाप के मंचन के साथ शुरू हुई, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने के वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं, तो वहीं विरह की लीला देखकर दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान श्री राम का भाई भरत से मिलन होते ही मां अन्नपूर्णा मंदिर की रामलीला में भरत मिलाप लीला देख दर्शक भाव विभोर हो गए। रामलीला के पांचवें दिन की शुरुआत भाजपा मंडल 3 के प्रधान गुरप्रीत विक्की, किशनलाल शर्मा, दविंदर कालिया, कंचन शर्मा, राजेश ठाकुर, राजेश मल्होत्रा, सनी शर्मा, श्याम शर्मा, अजमेर सिंह बादल, रवि कुमार, सुमित गौतम, प्रशांत गंभीर ने विशेष रूप से शिरकत कर की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सयाल, कोषाध्यक्ष यशु सयाल, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, संगठन मंत्री धर्मपाल अरोड़ा, उप प्रधान अश्विनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सयाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं बधाई दूंगा इस कमेटी को जिहड़े इत्थे हर साल रामलीला दा आयोजन करदे आ। मैं सिर्फ एक गल कहना चाहूँगा कि अज तो अगर आप 2000 साल पिछे चलिए 3000 साल पिछे चलिए तो जो साड़ी इन्नी रिच कल्चर सी, साड़ी सभ्यता सी, जिहड़े सानूं एक दूजे नूं हरेक नाल जोड़ के रख्या होया सी। ये जिदा जिदा समाज अगे वधदा चलिया गया, मैनूं याद आ 1835 के विच एक अंग्रेज अधिकारी उन्हें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वैस्ट उन्हें सारा देखा कि हिंदुस्तान के विच कोई भी गरीब बंदा नहीं सी और लोग बहुत सुखी थे। उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिहदे विच यह कहा गया कि सब तो पहला अगर असी इस देश से कब्जा करना है तो सानू इहदी सभ्यता नूं खत्म करना चाहिए। पर उन्होंने बड़ा जोर लाया सभ्यता नूं खत्म करन लई। पर यहोजियां जिहड़ियां कमेटियां आ जिन्हां ने ऐसे आयोजन करके इस साडी सभ्यता नूं कदी खत्म नहीं होण दित्ता, इहदे विच हमेशा जान पाई। और यही जदों तक असीं इस रामायण दे नाल जुड़े रहांगे इस ऐसियां जिहड़ियां साडियां पुराणियां जिहड़ी साडी सभ्यता उहदे नाल जुड़े रहांगे, साडे परिवारिक एकता वी साडे नाल इसे तरह बणिया रहूगा। आयोजन पहलां रामलीला दे विच जदों भरत मिलाप देखिया सी ते उहदे विच जो उन्होंने सानू सिक्ख्या दित्ती आ दो भरावां दे प्यार दी, वह ऐसा देखिया सर महो जी जगह नहीं सानू मिल सकती है। मैं इन्होंने शब्दों के नाल इतने सारे आए हुए साथियों का धन्यवाद करूँगा और मैं इस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तीजा रविंद्र घई जी वो साडे विच आए आ, मेरे बड़े भी विनोद घई जी स्वर्गवासी, जल्दी साड़ी रामलीला चल रही है काली माता मंदिर सोलन विखेड़ा जी, कई फुटबॉल नाम से इंडस्ट्री है, उन्होंने साहबजादे रविंद्र घई जो साढ़े बच्चे ने साडे वीर की सानू बहुत याद आ रही है क्योंकि साढ़े हर काम के हर साल बहुत बड़ा सहयोग कई फुटबॉल तो सानू मिलता है। और उस परंपरा में जारी रखते हुए साडा बच्चा रविंद्र घई उही मान सत्कार साडी कमेटी हर साल देता है और साढ़े नाल मोहे नाल मोहे ला के अभी भी अपने पिता जी जो चल रहे हैं पिता जी के संस्कार चलते हैं। और मैं परमात्मा के चरणों से अरदास करना कि बच्चा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, कई फुटबॉल का इंडस्ट्री के ना है और इस तरह नाम चमकता रहे और आने वाले दिनों में होर तरक्की करे। असी इस रामलीला के योजन बहुत बड़ा सहयोग मिलता है हर साल की तरह, इस साल भी साढ़े नाल आगे मोहे नाल मोहे ला के खड़े ने और आने वाले समय के भी असी प्रभु श्री राम के चरणों से अरदास करते हैं कि इन्होंने सब के परिवार से अपना आशीर्वाद बना के रखन और इस तरह समाजिक धार्मिक कामों के सहयोग करते रहन। अज के इस उपलक्ष्य के मैं बेनती करदा अपने मंडल के अध्यक्ष गुरप्रीत विक्की जी ने बहुत संक्षिप्त दो शब्दों साडे इस मंच की कलाकारों की हौसला अफजाई भी करेंगे और आए हुए सब साथियों जिन्होंने नाल लैके आए अपनी पूरी टीम को नाल लैके आए हैं वो वास्ते अं तह दिलों इन्हों की धन्यवादी हैं श्री गुरप्रीत विक्की जी।
जालंधर छावनी के अधीन आती डायमंड कॉलोनी में गंदे नाले के पास स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से इलाका वासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते इलाका वासियों ने प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार पीवल को अपनी इस समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद अजय कुमार पीवल ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को बुलाकर स्ट्रीट लाइट्स को लगवाया, जिसके पश्चात इलाकावासियों ने समाज सेवक अजय कुमार पीवल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ज्योति, ममता, प्रवेश, अश्विंदर कौर, शीला रानी, बबलू राम, सुदेश कुमार, रमेश कुमार, विकी, अरविंद सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं अजय पीवल, सोशल वर्कर, दीपनगर से। हमें डायमंड कॉलोनी की तरफ से बहुत फ़ोन आ रहे थे और ग्वाला गली से कि भैया हमने रात रात को यहाँ जाना होता है ना गंदे नाले की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो नशेड़ी बहुत घूम रहे होते उस तरफ, तो हमें लाइट की सुविधा करा दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आज हमने जिस भी बहन भाई ने फ़ोन किया था गंदे नाले की तरफ और डायमंड कॉलोनी में जितनी भी लाइट की ज़रूरत थी उतनी हमने लगा दी हैं, और भी किसी बहन भाई को अगर किसी तरह की ज़रूरत हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आज भी हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ। जय हिंद। माँ के पावन नवरात्रों के चलते श्री देवी तालाब मंदिर संकीर्तन मंडली से सीमा गल्होत्रा के निवास स्थान जालंधर हाई टू स्मार्ट होम में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की सेविका सीमा गल्होत्रा और संकीर्तन मंडली ने भजनों को गाकर माहौल को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर बलविंदर गल्होत्रा, राजेंद्र गुंबर, प्रिया गुंबर, तनुष गल्होत्रा, रोशी, सोनिया, नीलम, अरुणा, शशि सहित कई माँ भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Oh,
नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के चौथे दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के चौथे दिन गायक आशु कोटी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्वनी चौहान, नरगिस पत्रा, सोनू कुलवंतरायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक राजकुमार सहगल एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। चल रहे नवरात्रों पर मां दुर्गा के 9 रूपों में एक मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में चल रही नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के चौथे दिन की शुरुआत भजन गायक विजय कौड़ा ने सरस्वती वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक विजय कौड़ा व देव चंचल ने माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, श्री देवी तला मंदिर के प्रमुख सेवादार व मंच संचालक बलदेव आनंद, सुनील अरोड़ा, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और गायक विजय कौड़ा को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कंजक पूजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अखिल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता कहा गया है। भगवान गणेश माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य हो गए। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा में अपने कष्टों की जरा भी परवाह न की और अंत में सेवा करते हुए प्राण त्याग दिए। देवव्रत भीष्म ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया और विश्व प्रसिद्ध हो गए। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो माता पिता का आदर करें। तो वहीं मां बंगलामुखी धाम में नवरात्र के शुभ अवसर पर नवदुर्गा हवन यज्ञ के अंतर्गत हवन यज्ञ में माँ स्कंद माता जी के निमित्त पंचम नवरात्र का हवन यज्ञ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, नवदीप सिंह, उदय हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश केहर सिंह, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत विशाल प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज मां बंगलामुखी धाम जो कि लम्मापिंड चौक के लोग सिटी के कोर्ट में मां दे भव्य मंदिर के बीच मां नवदुर्गा के निमित्त जेडे लगातार नवरात्रे चल रहे हैं उन्होंने उपलक्ष जेडे हवन लगातार किए जा रहे हैं। अज मां स्कंद माता जी के निमित्त जोड़ा हवन यज्ञ किया गया और उस तो बाद मां बंगलामुखी के हवन यज्ञ किया गया और भक्तों ने अपने जेडे अलग नाना प्रकार के औषधियां जड़िया बूटियां और व्यंजन लिया के जो महामारी जो भोग लगाए और आशीर्वाद प्राप्त किया। अज मैं ये भी कहना चाहना कि अज श्री वाल्मीकि आश्रम जी के भी जोड़ा एक बहुत विशाल हवन यज्ञ किया जा रहा है। सारिया संतान बेनती की जाती हैगी है कि सारे जोड़े सब परिवार उसे वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में पहुंचे और उत्थे माँ बंगलामुखी का जोड़ा हवन यज्ञ किया जा रहा है उतों महामारी का आशीर्वाद प्राप्त कर और माँ वाल्मीकि का महारिषि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर। जयकारा बंगलामुखी माता जी का। अज मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है मां दे इस भव्य मंदिर दे विच अज दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया सप्ताहिक और बड़ी दूर दूर तो आई श्रद्धालुओं ने नवरात्रे चल रहे हैं। इस उपलक्ष्य दे विच भी अज पंजवीं जिहड़ी देवी है मां स्कंद माता जी के निमित्त विशेष हवन यज्ञ आहुतियां डालियां नाल दे नाल नवदुर्गा माता जी का पाठ और हवन यज्ञ आहुतियां हुई हैं और माँ बंगलामुखी जी के निमित्त भी हवन यज्ञ आहुतियां हुई हैं। मैं सारे संगत को ये पावन नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामना देनी चाहना और यही कामना करता माँ के चरणों कि सारे माँ के जोड़े बच्चे है वह राजी रहन और महामई इदा ही अपना आशीर्वाद जोड़ा मेहर भरिया वो रखे और सनातन समाज के असं सारे जोड़े सेवादार सेवा करते आ रहे हैं इदा ही साढ़े सेवा बख्शते रहन साढ़े सारे सेवादार जोड़े मन जोड़े निर्मल और नीवे हो और मत उच्ची हो यही भावना असी माँ को जोड़ा आशीर्वाद मांगते हैं। जयकारा बंगलामुखी माता जी का। बोल साची दरबार की। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों ने परिवार सहित हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रत्न सिकंदर देवाश्रम सिकंदर,
पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, इकबाल सिंह, बिनी बोहरा, मोहित जैन, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर, नीलम वोहरा सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जीवग्राम देवी देवी भामी शत्रुभवंती गदा भगति चादक्ष पितामराजा देवी हनुमानी समस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु अमंगल हरण हेतु सर्वतांत्रिक शरणागति सर्व कार्य सिद्धि करोति नमस्तु नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्लय किल्लय बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्लय किल्लय बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। उपकार रामलीला क्लब ढंडार मंदिर की ओर से 54वीं वार्षिक रामलीला का मंचन ढंडार मंदिर बस्ती गुजा जालंधर में महंत रामदयाल दास की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस रामलीला की दूसरे दिन की नाइट में प्रभु श्री राम के वन गमन के दृश्यों का कलाकारों द्वारा सुंदर मंचन किया गया, जिसे देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर चेयरमैन राजू मदान, अध्यक्ष हरि कृष्ण बाली, संजीव बाली सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। जय महावीर क्लब बस्ती शेख की ओर से रामलीला की दूसरी नाइट में सीता स्वयंवर व ताड़का वध का मंचन किया गया, जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका को बाखूबी निभाया। इस दौरान भगवान श्री राम के माता सीता और लक्ष्मण सहित वनवास जाने के दृश्य को प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर विकी शर्मा, हर्ष सोंधी, शिवम शर्मा, गुलशन बजाज, राणा शूर, साहिल वर्मा, रवि सोंधी, सुभाष कपूर, रवि करवाल, करण खेड़ा, साहिल भंडारी, अंश शूर, दर्पण शर्मा, विकी सागर शूर, आशिव कपूर, अभिषेक सोंधी, गगन शर्मा, चेयरमैन विनोद शूर, प्रधान सुभाष कपूर, चीफ डायरेक्टर सतीश बजाज, डायरेक्टर संजीव सोंधी सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए अमृतसर पहुंचे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी और भगवंत सिंह मान की ओर से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 35,000 करोड़ रुपयों की राशि से पूरा किया जाएगा। इस हाईवे के बनने के बाद अमृतसर से दिल्ली का सफर 4 घंटे का रह जाएगा और जम्मू कटरा से दिल्ली की दूरी 6 घंटों में तय की जा सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे पंजाब के लिए मिसाल, विकास और खुशहाली का नया दौर बनेगा। तो वहीं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द ही देश को समर्पित करने की उम्मीद भी जताई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक
प्रगतिशील माननीय कैबिनेट मंत्री जी नितिन गडकरी साहब, वो यहाँ पर आकर अमृतसर की पवित्र धरती पर आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, हमारे एनआरआई अफेयर्स के मिनिस्टर पंडित धारीवाल जी, जिनका भी हल्का भी, हमारे मेरे साथ पार्लियामेंट में मेरे कुलीग रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतसर साहब से औजला साहब, और जितने भी आज मीडिया वाले सज्जन आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी का दिन है। मैं सुन रहा था गडकरी साहब को, पार्लियामेंट में बहुत सुना है जब बोलते हैं तो असर रखती है बात, दिल से बोलते हैं। आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, इन्होंने हाथ में कागज़ तो ले रखे थे लेकिन कागज़ पढ़ नहीं रहे थे, इनको ऐसे ऐसे याद है चाहिए, इससे इनकी डेडिकेशन इनकी अपने मंत्रालय के प्रति और देश की, एक एक सड़क शायद इनको याद है कहाँ से कहाँ तक बननी है, कहाँ बनानी है। ये तभी हो सकता है जब मिनिस्टर जो है, मंत्री जो है, वो खुद इंटरेस्ट लेते हो। आमतौर पे ये चीज़ें जो इन्होंने आज बोल के बताई हैं, आमतौर पे ये टीवी पर, स्क्रीन पर दिखा दी जाती हैं, अफसरों द्वारा बताई जाती है। अमृतसर का बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे धार्मिक स्थलों में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडू साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहब तरन तारण को जोड़ते हुए माता के दरबार में वैष्णो देवी कथापन कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को जोड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत फायदा होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक विशेषता है कि इससे वो दूरी 58 किलोमीटर हो जाएगी, 58 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो उतना समय भी बचेगा और पेट्रोल डीजल भी बचेगा। ये दिल्ली के पेरिफेरल रोड से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे हरियाणा में 137 किलोमीटर और जिसमें 90 किलोमीटर हमने बना लिया है, बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 तक पूरा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया, वो भी ध्यान दे रहे हैं कि पंजाब में केवल 17% पर उन्होंने कहा कि जल्दी लैरिकेशन करा के देंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के पहले हम इसको पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर लैंड मिल जाएगी तो ये पूरा होगा, जिसमें 296 किलोमीटर का काम शुरू हो गया। एक और इम्पोर्टेंट है कि दूसरा जो हाईवे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अमृतसर बठिंडा, ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा हाईवे है, अमृतसर बठिंडा जामनगर यानी गुजरात। अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है कंटेनर को और सामान को, डायरेक्ट कोर्ट जाएगा जामनगर, और ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर बन गया है, बाकी 2025 में पूरा होगा। 502 किलोमीटर मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर, गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है, और 30 किलोमीटर अभी इसमें पंजाब में बन गया है। बाकी के कामों का आज ही मैंने यहाँ के दो पैकेज के बारे में जल्दी फाइनेंशियल क्लोजर हो जाएगा। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश के तीनों रिफाइनरी पंजाब बठिंडा और राजस्थान की बाड़मेर और गुजरात की जामनगर, ये चारों रिफाइनरी को जुड़ेगा। ये बठिंडा से लुधियाना आना जाना भी इससे आसान हो जाएगा, और बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।